बिहार में कोरोना चरम पर पहुंच चुका है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 से भी पार हो चुकी है। कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे ऊपर डॉक्टरों की टीम है, जो लोगों को जीवन देने में जुटे हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि वो मरीजों का इलाज करने के साथ साथ खुद को भी कोरोना संक्रमित होने से बचाएं। लेकिन बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के डॉक्टर ही PMCH का बुरा हाल बयां कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। PMCH के कई जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन पर ही सवाल खड़े किए हैं। आइसोलेशन वार्ड होता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट का, या आइसोलेशन वार्ड जो होता है वहाँ पर डॉक्टर्स का कैसे ड्यूटी लगना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड, और डॉक्टर्स कहाँ पे रहेंगे और किस तरह से इलाज किया जाएगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर्स वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होते हैं, अगर वो कॉमन हॉस्टल में रहते हैं तो उससे दूसरे डॉक्टर्स में संक्रमण फैलने का डर है। फिर वही डॉक्टर्स अगर कहीं और भी ड्यूटी कर रहे हैं नॉन कोविड वार्ड में भी, तो वहाँ के पेशेंट को भी कोविड फैलने का डर है। इन्हीं सब रीजन की वजह से आप देखे होंगे कि इन दिनों PMCH में काफ़ी डॉक्टर्स और वर्किंग स्टाफ पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई कार्ड प्रणाली ही नहीं बना हुआ है अभी तक कि कैसे किससे ड्यूटी लेना है। इसके लिए एम्स पटना का भी अपना SOP है, सारा कॉलेज जो है सब अपना SOP बना चुका है कि कैसे कैसे किससे काम लेना है। डॉक्टर अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ जाता है तो उसको कैसे आइसोलेट करना है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई गाइडलाइन PMCH एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक नहीं बनाया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि PMCH सबसे ज़्यादा डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी ही नहीं है कि कैसे किसको आइसोलेट करना है। अगर कोई डॉक्टर पॉजिटिव आ गया और उसके हम ड्यूटी किए हैं तो हमको कहाँ रखा जाएगा, इसका कोई इनके पास उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए लोग। और फिर हमको जा करके फिर वहीं जाकर ड्यूटी करना है, तो हमसे भी जो संपर्क में आएंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अभी तक ये गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 3-4 महीने पहले भी हम लोग इस बात को रखे थे, फिर हम लोग इस बार 1 हफ्ते पहले भी इस बात को रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये लोग नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा वजह है कि PMCH सबसे ज़्यादा भारी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हैं। बिहार हेल्थ एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि बिहार में 11,400 डॉक्टर पोस्ट सैंक्शन यानी सृजित किए गए हैं, जिसमें 3,400 रेगुलर पद पर डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर 500 डॉक्टर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों के 4,000 रेगुलर पदों का इंटरव्यू होना है। इसी साल 29 जून से इंटरव्यू शुरू हुए थे, जिसे जुलाई 29 तक चलना था, लेकिन 9 जुलाई तक ही चले, इसलिए ये भी फंसा हुआ है। यानी बिहार में सिर्फ 3,400 रेगुलर डॉक्टर हैं और 500 कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते हुए और डॉक्टरों पर दबाव कम करने के लिए पटना के DM ने आदेश दिए हैं, अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इसके कुल बेड के 20-25% आइसोलेशन वार्ड के लिए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इच्छुक निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए सिविल सर्जन को आवेदन देने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। DM ने ये भी जानकारी दी है कि जो मरीज निजी अस्पताल में अपने खर्च पर इलाज कराना चाहेंगे उन्हें ही इजाजत दी जाएगी। बहरहाल इस आदेश से डॉक्टरों पर दबाव कम होगा। पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।